शादी के मंडप से सीधे अस्पताल पहुंची दुल्हन, शादी वाली रात क्या हुआ ऐसा, डीजे को लेकर छिड़ी ऐसी जंग। नमस्कार, मैं हूं तनु, एवन न्यूज बिहार देख रहे हैं आप। और बिहार में दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। शादी के सीजन में लोग डीजे का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि यही डीजे कहीं कहीं लोगों के लिए, खासकर वर और वधु पक्ष के लिए ही परेशानी का सबब बन जा रहा है। बिहार के नवादा जिले में एक दुल्हन की रविवार को शादी होनी थी, उससे विदा होकर अपने ससुराल जाना था, लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि सीधे वह अस्पताल पहुंच गई। ऐसा एक मामला सामने आया है जहां डीजे के कारण ही ऐसा कुछ हुआ कि मंडप पहुंचने की जगह दुल्हन सीधे अस्पताल जा पहुंची। डीजे को लेकर मारपीट की यह घटना बिहार के नवादा जिले की है। जानकारी के मुताबिक दुल्हन की देर रात बाराती आने वाली थी और शादी की रस्में निभाई जा रही थी। मारपीट शुरू हो गया और इसके बाद अचानक शादी को रोक देना पड़ा। नवादा में शादी से पूर्व डीजे बजाने को लेकर हुई इस विवाद की घटना में दुल्हन समेत चार लोगों को बुरी तरह से पीटा गया, जिससे सभी चारों लोग घायल हो गए। तलवार और लाठी डंडे के वार से दुल्हन समेत कुछ चार लोग इस घटना में जख्मी हो गए हैं। घटना सिरदला थाना क्षेत्र के पचम्बा गांव की है। दरअसल पूरा मामला डीजे बजाने को लेकर हुआ है। पचम्बा गांव निवासी राधे चौहान की पुत्री संगीता कुमारी का विवाह 15 मई 2022 को होना था। घर में शादी की रस्में निभाई जा रही थी और कुछ ही घंटों में बारात आने वाली थी, मगर शादी से पूर्व भी डीजे बजाने को लेकर हंगामा शुरू हुआ और मामला हिंसक झड़प तक जा पहुंचा। इस झड़प में दुल्हन को भी बुरी तरह पीटा गया और शादी रोक दी गई। गांव के ही राम बालक चौहान, उमेश चौहान, कमलेश चौहान सहित कुछ लोगों पर मार पीट कर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। परिजनों ने बताया कि घर में हल्दी कलश का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान कुछ लोग अपना एक डीजे ट्रॉली लेकर घर के समीप पहुंचे और उसे बजाने को कहा और 10,000 रुपए ही मांग की। लड़की पक्ष के लोगों ने उनके द्वारा लाए गए डीजे को बजाने से इनकार किया। इनकार करते ही सभी ने मारपीट करना शुरू कर दिया और दुल्हन को भी बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद शादी को रोक देनी पड़ी। इस घटना के बाद परिजनों ने इसकी तत्काल सूचना सिरदला थाने को दी, जहां पुलिस ने मौके से कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दुल्हन के हाथों पर अभी भी हल्दी का रंग चढ़ना ही शुरू हुआ था कि इस घटना ने अचानक से खुशी के माहौल को गम में बदल दिया। फिलहाल दुल्हन समेत सभी घायलों को नवादा सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बहरहाल देखते रहिए एवन न्यूज़ बिहार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।